दूसरे दिन की जर्नी हमारी स्टार्ट हुई ट्रेन से। हम उतरने का मतलब जिस गंतव्य हमारा जो था वो आ चुका था, तो हमने सूटकेस वगैरह बाहर निकाले। हमें स्टेशन पर कोई लेने आने वाला था, ट्रेन हमें छोड़कर चली गई, पर जो लेने आने वाला था वो कोहरे की वजह से बहुत लेट हो गया, क्योंकि गाड़ी कोहरे में बहुत स्लो चलानी पड़ती थी और इतना ज़्यादा कोहरा था कि सामने की चीज़ भी नहीं दिख रही थी। तो इस वजह से जो आने वाले थे वही मतलब मेरे बहन के हस्बैंड, वो लेट हो गए। तो हम लोगों ने सोचा चलो टाइम पास कर लेते हैं, और हमने बनाई ढेर सारी रील स्टेशन पर ही। इनका म्यूज़िक म्यूट करना पड़ता है क्योंकि कॉपीराइट का बहुत ही इशू हो जाता है, ज़रा सा बैकग्राउंड म्यूज़िक डाल दो उसमें भी कॉपीराइट आ जाता है। ये था हमारे पास ढेर सारा सामान, नहीं तो चाहे हम कोई कन्वेंस ले लेते, बट सामान ज़्यादा था। और फाइनली वो आ गए जिन जो हमें लेने के लिए आने वाले थे, मतलब क्या बोलते हैं मेरे बहनोई, वो आ गए हैं। और फिर उसके बाद हम लोग निकल पड़े रास्ते की तरफ, हरियाली का आनंद लेते हुए। गाड़ी में अच्छे अच्छे से भजन चल रहे थे और फिर घर हम पहुंच गए। उसके बाद हमें जहां निकलना था, मतलब हम शादी में गए थे तो वहां थोड़ी देर आराम करके नहा धो के खा पी के हम निकल पड़े दूसरे रास्ते की तरफ, मतलब जहां हमें जाना था। वहां पहुंचने के बाद हमें पता चला कि हम रास्ता भूल गए हैं। ढेर सारा था सामान था हमारे पास, हम किसी दूसरी गली में ही घुस जा रहे थे और हर गली लग रही थी कि शायद ये है। गांव सेम दिख रहा था बट गलियां जो होती हैं ना पतली पतली सी, वो हमें समझ में नहीं आ रही थी। फिर खैर पूछते पूछते रास्ता हम लोगों ने पूछा कई जगह पर, और फिर हमें हमारा जो मतलब बोलते हैं ना जहां हमें पहुंचना था फाइनली, वहां हम पहुंचने के लिए मिल गया हमें रास्ता। चाय जीतते मंदिर आए हाँ। मेरी आगे बुआ के यहाँ हम लोग जा रहे थे, बुआ की लड़की की शादी थी, मतलब मेरी दीदी की शादी थी, और उनका जो घर है ना बहुत फेमस है वहाँ पे, और वहाँ पे उनका मंदिर है जो कि उनके पापा ने ही बनवाया था, मतलब मेरी बुआ के पापा ने, पापा की फैमिली ने। और आ गए हैं हम फाइनली बुआ जी के घर। यहाँ पे आज हल्दी का फंक्शन, तो इसकी डेकोरेशन चल रही थी, तो सब लोग हमें बाहर ही मिल गए और बच्चों ने किया एंजॉय। यहाँ पे बहुत सारे कुत्ते हैं और खरगोश हैं, कछुआ है, पैरट है, तो इन सब के साथ ये लोग खेल रहे थे। ये व्लॉग एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है। ये देखिए हल्दी का डेकोरेशन हो रहा है यहाँ पे, तो हम लोगों ने बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची। उसके बाद चले गए हम लोग हल्दी के लिए तैयार होने के लिए। ये शुरू हो गया है हल्दी का फंक्शन, और हम लोग मतलब जो भी करते हैं उसमें, सब लोग बता रहे थे कि ऐसे ऐसे करो, वही सब हो रहा था। फ़ोटो सेशन भी चल रहा था, फोटोग्राफर वीडियो शूट करने वाले सब आए हुए थे, तो वो सब भी साथ साथ चल रहा था। और उसके बाद हुआ बहुत सारी मस्ती, मतलब बहुत सारा डांस। फिर हम लोग रोने भी लगे, हम सब भाई बहन लिपट के रो रहे थे। फिर फाइनली जो था हमारा ये डांस, जो मस्ती थी, एक्चुअल मस्ती थी, वो लास्ट में बहुत ज़्यादा हुई। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम इसमें गाने डाल ही नहीं सकते। ये है मेरी बहन, तो हमारा अलग ही चलता रहता है। ये हैं भैया, बड़े भैया, जो कि डांस करने में जुटे हुए थे। लास्ट में जब सब लोग चले गए अंदर, तब भोजपुरी गाने लगा लगा कर ये लोग डांस कर रहे थे। हम लोगों ने खूब मस्ती की सब लोग साथ मिलकर। खैर ये चीज़ तो है कि जब अपनी फैमिली के मतलब कज़न्स जब इकट्ठे होते हैं ना, तो उसका आनंद बहुत। मेरे तो इतने सारे कज़न हैं, बट अनफॉर्चुनेटली सबके ना टाइमिंग सेम नहीं हो पाती, और कभी कभी रिलेशन में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से सब लोग साथ नहीं रह पाते। पर हम लोगों ने यहाँ पे खूब मस्ती की। सेकेंड डे स्टार्ट हो गया, मतलब जिस दिन मेहंदी का फंक्शन था उस दिन सुबह सुबह मैंने कटाए अपने बेटे के बाल। मेरा था सकट का व्रत, जो सकट होती है उसका व्रत था। मैंने इसके बाल कटाए और फिर घर में मैंने पानी गर्म किया। इसकी और मामा की अलग सेटिंग हो गई कि इसको नहाना है स्विमिंग पूल में, मतलब ये जो ट्यूबवेल होते हैं गाँव को, उसको ये स्विमिंग पूल बोल रहा था। और ये ले जाकर उसको वहाँ पे इसने इसके लिए ट्यूबवेल ऑन कर दिया।
हम यहाँ चिल्लाते रह गए कि पानी गर्म हो गया है, सर्दी है, खांसी आ रही है, नाक बह रही है। पर कहते हैं ना, बच्चों को मामा से ज़्यादा वो होता है। इन्होंने कर दिया इसके लिए ट्यूबवेल ऑन, और फिर उसने ही उसको नहलाया। सब लोग देख रहे थे, चिल्ला रहे थे, पर किसी की भी बात नहीं सुनी। अच्छे से बाल वाल भी साफ किए, उसने ही उसके कपड़े धोए। हम लोगों के मामा भी ऐसे ही थे, कोई भी बात होती थी तो हम लोगों की जिद पूरी कर देते थे, हमारी नहीं सुनते थे। बड़े भैया बोल रहे थे कि इनको ना यहीं पे डुबाएंगे, इनको बोलने दो। और फिर इसने तो बस, इसकी तो मौज हो गई, पूछो मत। तो ये जो प्रोसीजर था, ये लोग अपना नहा रहे थे, मस्ती कर रहे थे, उछल कूद कर रहे थे। हम आए, देखे, डांटे वाटे, तो फिर डर के इसके थोड़ी देर में बंद कर दिए ट्यूबवेल, और उसके बाद ये नहा के निकल गया। ये मेरा आज का ब्लॉग था, और इसका जो शादी का मेहंदी के फंक्शन का ब्लॉग है, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में डालूंगी। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग बहुत पसंद आएगा, और आप मुझे अप्रिशिएट करेंगे और मेरे चैनल में विज़िट करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। आगे का पार्ट देखने के लिए जरूर देखिएगा नेक्स्ट ब्लॉग अगले दिन। तब तक के लिए बाय बाय।